क्या आप लोगों को पता है हमारे पूर्वज एस्टेरॉइड्स के प्रभाव, हिमयुग, सुपर ज्वालामुखी विस्फोट और घातक विपत्तियों से बचे रहे हैं और हर बार नई ऊंचाइयों पर वापस लौटे हैं। मगर मान लीजिए ऐसे ही अगर हमारी प्रजाति उन्नति की ओर बढ़ती रही तो हम लगभग कुछ 100 अरब सालों में टाइप 3 सभ्यता यानी गैलेक्टिक सिविलाइजेशन बन जाएंगे। तब हमारे प्रजाति संपूर्ण आकाश गंगा को अपनी उपनिवेश बना पाएंगे और बस इतना ही नहीं, पूरे आकाश गंगा को अपने हिसाब से आकार देने की क्षमता हो जाएगी हमारे प्रजाति के पास, वह भी अगर सुरक्षित रूप से ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। लगभग 100 ट्रिलियन वर्षों में तारों से भी अधिक जीवित रहने की उपयुक्त हो जाएगी हमारे विकसित प्रजाति। लेकिन ये दूर के सपने हमारे साकार होने के लिए नहीं है। यदि वे कभी हासिल हुए तो यह हमारे किसी दूर के वंशज द्वारा किया जाएगा, अपनी मानवीय जड़ों से कहीं आगे विकसित हुए। अंततः हमें एक गहन प्रश्न का सामना करना पड़ेगा, ब्रह्मांड में मनुष्य प्रजाति का उद्देश्य क्या है? और आप लोगों को ऐसे रहस्यमय चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो एस्ट्रो साइंस तथा एस्ट्रोवर्स के साथ जुड़े रहिए।